हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताऊंगा। ठीक है, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे पार्ट्स आपको भेज दिए हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने आपको डीपली नॉलेज दी है, वैसे अगर आप उन वीडियोस को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि टेंस ही आपके क्या होते हैं, टाइम प्लस एक्शन होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या है उनको प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो बार बार उनकी प्रैक्टिस करिएगा और उनको बोलने की कोशिश करिएगा। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बात करेंगे सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसका मेन वर्ब क्या है और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो होता है इसका, वो इजेमर होता है, और जो इसका मेन वर्ब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देना है। एक बात ध्यान रखना, जहां आपको कंटीन्यूअस दिखाई दे ना, जहां आपको कंटीन्यूअस दिखाई दे वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको दिखा रहा है, चाहे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो चाहे आपको कोई भी कंटीन्यूअस हो, वहां आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये जो मैं टेंस बता रहा हूँ आपको, चाहे वो सीबीएसई के कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का कोई भी स्टूडेंट हो, अच्छे से स्टडी करेगा तो टेंस अच्छे से सीख पाएगा, कभी नहीं भूलेगा। और मोस्टली आपको टेंस को पढ़ने के लिए आपको बस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आइडेंटिफिकेशन भी हिंदी के लिए होता है, लेकिन इन दोनों को विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी टेंस के बना सकते हो, बस रूल सारे सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इन दोनों को मिला के आपको क्या बनता है, रहा है, रही है, रहे है, हिंदी वाक्य के अर्थ में आता है, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है। अच्छा, मैं कहूंगा दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आप हिंदी इंग्लिश बहुत सीखो, और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश की तरह ही सीखो। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज कभी रटने से नहीं आती, जितना आप कन्वर्ट करके सीखोगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो उसी की लैंग्वेज जैसे वो लैंग्वेज आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश में ही ढंग से सीखो, और सारे तरीके से आप अगर बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी वाक्य के रूप में रहा है, रही है और रहे, ये आपका। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, बस इस बाकी सारे टेंस वही है, जैसे कि ए फॉर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें आपको क्या करना है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको ईच ए मार में से एक लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और अदर वर्ड जरूर लगाना है। ठीक है, ईच किसके साथ लगाना है ये मैंने आपको बता दिया, सिंगुलर के साथ, जैसे कि आपका ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। ठीक है, इसके साथ कोई भी सिंगुलर नेम दे रखा है उसके साथ भी आपको ईच लगाना है। एम की बात करें तो एम आपका आई के साथ लगता है, आर की बात करें तो आर आपका प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल में आपका यू होता है, वी होता है, ते होता है, और कोई भी प्लूरल नेम जैसे कि राम श्याम दे रखा है उसके साथ भी आपका आर लगेगा। ठीक है, तो ये रूल्स को विशेष ध्यान रखना, और इस तरीके से आप एजम आकर यूज कर सकते हो। तो ये बस स्ट्रक्चर सेम है, कोई अलग नहीं है। इसके लिए जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, देखो हिंदी में बना के मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, देखो ये काम यूज होता है, ये वहां यूज होता है जो रिसेंटली आप काम कर रहे हैं उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा है, चल रहा है, उसके लिए आप यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप स्टडी कर रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ खाना खा रहे हो, नहीं मैं खाना नहीं खा रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जो रिसेंटली आप जो काम कर रहे हो उस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, इजेम आर में से आपको एम लगाना है के साथ, उसके बाद वर्ब क्या है आपकी पढ़ना हो गया, रीडिंग, रीड होता है आई एन ई लगा देंगे, रीडिंग क्या पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि मैं खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो यहां पे आई एम प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर, दे के साथ आर लगेगा,
दे आर प्लेइंग क्रिकेट। राधा खाना खा रही है तो राधा, राधा एक है क्योंकि इज लगेगा इसके साथ, देखो दिखा रहा है सिंगुलर नेम के साथ आपको इज लगाना है। राधा इज ईटिंग द फूड, ठीक है। मोहन मथुरा जा रहा है तो मोहन, मोहन इज गोइंग टू मथुरा, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा ये अफर्मेटिव है, सिंपल है, इसमें ना तो नॉट आएगा ना ही आपको क्या क्यों मान लग कैसे कोई वर्ड नहीं आएगा, ये ओनली सिंपल है अफर्मेटिव, ठीक है। अब जैसे कि प्ले क्रिकेट खेलने में बना दिया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग इंग्लिश। राम इन श्याम स्कूल जा रहे हैं तो दो नेम हो गए, तो दो नेम के प्लूरल नेम है उनके साथ आपको आर लगाना है, तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। काफी एग्जाम्पल हो गए आपको समझने के लिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा मुझे, वैसे मैंने बहुत इजी तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, कभी भी दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार अच्छे से सीख लिया, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करिएगा। प्रेजेंट एंड एफर्ट मैंने आपको भेज दिया है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला पार्ट है, ठीक है। नेगेटिव में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, उसे आप टाइम निकाल के कभी भी देख सकते हो। मैंने ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको छोटे छोटे 5-10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार बोलने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूँ आपको इंग्लिश आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। ग्रामेटिकल ग्रामर भी आएगी, ट्रांसलेशन भी आएंगे, और इसी वे में चलते रहिए आप। और छोटे छोटे सेंटेंस भी छोटे बच्चों को बता रहा हूँ, उनकी भी मैं वीडियो आपको सामने डालता रहूँ, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो अगर ये सारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके मॉडल्स हैं, नरेशन है, एक्टिव पैसिव सारी चीजें मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ग्रामर का पूरा पोर्शन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नाउन का मैंने पार्ट्स में आपको डाल दिया है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, और बाकी सारे पार्ट्स में आपको डालूंगा, ठीक है। समझ में अच्छे से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।